नमस्कार, मैं अर्शद और आप देख रहे हैं कौ कौ न्यूज। दोस्तों, ज्योतिष विद्या के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन स्वास्थ्य में ज्योतिष किस तरह कारगर है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य सुरेंद्र कुमार जी, जो हमें बताएंगे कि स्वास्थ्य में ज्योतिष किस तरह उपयोगी रहेगा। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कौ कौ न्यूज में। बहुत नमस्कार, आपका भी बहुत अभिनंदन है मेरे शक्ति ज्योतिष चंद्र केंद्र में। देखिए, आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से ज्योतिषी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, शनि और राहु के विषय में तमाम भ्रांतियां फैलाने कि ये शनि राहु आते हैं तो जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं, जबकि शनि राहु से घबराने की कोई बात नहीं है। ये निर्भर करता है कुंडली में शनि राहु किस भाव में, किस प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं। यदि जन्म पत्रिका में शनि राहु अच्छे प्लेसमेंट में हैं, अच्छे भाव में हैं, उच्च के हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु लोकतंत्र का कारक ग्रह है, राजनेताओं के लिए राहु के कुंडली में अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। जैसे राहु तीसरे छठे एकादश भाव में उच्च का हो जाए तो राजनेताओं को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। अब लोग कहते हैं शनि से लोग डरने लगते हैं, शनि जीवन में आ रहा है, साढ़े साथी अठैया अष्टम का अठैया, तो ये आदमी की मृत्यु तुल कष्ट देता है। ऐसी बात नहीं है, शनि सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो कि अतीत में बुरे कर्म किए रहते हैं, उन्हें दंडाधिकारी को में दंड देता है। और जो लोग सच्चरित्र हैं, ऊंचे मूल आदर्शों पर चलते हैं, उनको शनि बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, शर्ते कि जब आए तो उनका कुछ उपाय कर देना चाहिए। जैसे पांच लोहे का बर्तन दान कर दे शनिवार को, दूसरा काला छाता दान कर दें, सर्दियों का दिन आ रहा है पांच कंबल दान कर दें, किसी नीडी व्यक्ति को यूज कपड़े दान कर दें शनिवार को, और एक काला जूता पहन कर शनिवार को दान दें, तो इस प्रकार शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। और शनिवार के दिन काली उड़द का भी दान करें। इसके उपरांत चाहिए कि हमें कि कुछ मंत्र हैं, जैसे ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, और शनि की स्तुति है जैसे नीलांजन समावासम रवि उत्तरम हिमाग्रजम छाया मार्तन संबोधन तं नमामि शनिश्चरम। इसी प्रकार राहु जब आता है जो परेशान हो जाते हैं, राहु ठीक है, राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका नैसर्गिक स्वभाव है, लेकिन अकस्मात को धन भी देता, पद प्रतिष्ठा का कारक है। इसके लिए कुछ उपाय है, जैसे मान लीजिए कि ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सराय नमः रात्रि का एक माला जाप कर लें, केसर का तिलक लगाएं, शिवलिंग पे सोमवार के दिन सौ पाए गाय के दूध से स्नान कराएं। ये उपाय करने से राहु से निजात पाया जा सकता है। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य और ज्योतिष किस प्रकार एक दूसरे के पूरक है। देखिए, स्वास्थ्य ज्योतिष, ज्योतिष एक विज्ञान है। जब कुंडली में राहु आते हैं तो स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं, ये पेट का प्रॉब्लम देते हैं, और स्त्री हैं तो इंटरनल डिजीज फिस्ट का प्रॉब्लम जी जी, और माइग्रेन का प्रॉब्लम, इस तरह राहु प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और स्वास्थ्य के अलावा सभी बने हुए काम में बाधाएं आने लगती हैं, आदमी सफलता हासिल करने के लक्ष्य तक पहुंचता है लेकिन उसको सेटबैक मिल जाता है। अब इसके कुछ उपाय हैं, जैसे रुद्राभिषेक करा देना चाहिए प्रत्येक सोमवार को, तो इससे राहु का प्रभाव नगण होने लगता है। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ग्रहों के जरिए कुछ स्वास्थ्य पे या मानव के व्यक्तित्व पे कुछ असर डालता है। बिल्कुल असर डालता है, अगर आपके जन्म पत्रिका में अच्छे हो तो आपको ऊंचाई के लिए जगह बैठा देंगे। कारक प्रणस है, यदि कर्क पर मंगल योग कारक होता है, मंगल आपकी कुंडली में उच्चे तो मंगल की महादशा अंतरता चल रही है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ले जा सकता है, राजनेता बना सकता है। और जहाँ तक राजनेताओं की कुंडली में कर्क लग्न के लोग होते हैं और मंगल के अंतरदशा महादशा में ये लोग बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। और आपने अभी पूछा है
कि ये कारक प्रेरण से तो बहुत लग्न के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, अलग्न के लिए अकारक हैं तो बिल्कुल लाइफ को चौपट कर तमाम बीमारियां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और किसी भी क्षेत्र में जाइए तो आपको सफलता नहीं मिलती, चाहे वो एडमिटिव सर्विस हो, और सिविल सर्विसेज हो, PCFJ हो, जुडिशरी की सेवा संबंधित हो। तो इसलिए निर्भर करता है कि कौन सा लग्न है और कौन सा ग्रह किस लग्न के लिए कारक है और कौन सा ग्रह किस लग्न का कारक है और कुंडली में उच्च का है नीच का है, ये भी निर्भर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए वृश्चिक लग्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंडली वृश्चिक लग्न है, लग्न उनका मंगल बैठा हुआ है और चंद्रमा भी उसकी जगह बैठा निजबंध राज्य बन रहा है, उनको कहां से कहां ऊंचाई पे ले गया है, एक अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हैं। और गजकेसरी जब अब गजकेसरी बनता कैसे सवाल एक बात पूछता मैं, गजकेसरी नाम का ये नाम तो दिया, ये बनता है जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में आता है गजकेसरी जो, यानी चंद्रमा से चतुर्भाव सप्तम भाव दसम भाव आता गजकेसरी होता या दोनों की युक्ति है। तो मोदी जी कुंडली में लग्न में चंद्रमा बैठा हो, जिसे मंगल बैठा हुआ है, मंगल स्वग्रही रोचक युग बना रहा है, उसी एक तरह निजभंग राज बना रहा है और चतुर्भाव में बृहस्पति पर गजकेसरी युग बना रहा है। और राहु भी उनका उच्च है, मैंने इसको पहले बताया जिसकी कुंडली में राहु विल प्लेस हो, पंचम में बैठ जाए, तृतीय भाव बढ़ जाए, छठे में एकादश में बढ़ जाता है। अब देखिए उनकी राहु की महादशा जब फर्स्ट बार पीएम बने, राहु की महादशा में वो कहां से कहां से पहुंचे, गुजरात के मुख्यमंत्री सीधे आज अच्छे लीडर ग्रुप में जाने जाते हैं। अब रही बात उनके जीवन में वृश्चिक राशि भी है, 7.5 ही आई, उनको बिल्कुल परेशान नहीं किए, दिनों दिन उत्तर आगे ही बढ़ते हैं। तो यही है कि 7.5 ही सभी लोग गई ध्यान किया, जो कि 7.5 ही आ रहे थे मेरा तो हो जाए, लेकिन 7.5 ही से गुजर गए और कुछ नहीं परेशानियों का सामना करना। अब इसके बाद उनके मंगल की महादशा आ रही है मोदी जी के 2021 में, और भी इनको बोल्ड निर्णय लेंगे, देश हित के लिए अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे लीडर के रूप में जाने जाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का जो भविष्य है वो एक तरह से उज्जवल है। उज्जवल है, मोदी जी के 2029 तक समय बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे समझ से इनके सामने कोई भी विपक्ष लीडर नहीं टिकेंगे। आचार्य जी, युवाओं में स्वास्थ्य की समस्या को लेकर ज्योतिष में कुछ उपाय है? आज की सबसे बड़ी समस्या चली है डिप्रेशन, लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सफलता डिप्रेशन में जाते हैं। अब सवाल होता है डिप्रेशन में जाते हैं कौन ग्रह नहीं जाता है? जब शनि चंद्रमा की युक्ति बनती है तो आदमी पिस योग जिसके करते हैं, यदि शनि चंद्रमा की युक्ति चंद्रमा नीच की ओर शनि के साथ बैठा हुआ ऐसे आज जाकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन गवाने की जरूरत नहीं है। उससे महादेव की पूजा करें, महामृत्युंजय का जाप करें, धीरे धीरे पिस योग का प्रभाव नगण्य होने लगता है। यदि शनि चंद्रमा उच्च के होके चतुर्भाव दसम भाव एकादश में बैठे हों तो ये अर्धनारीश्वर युग का निर्माण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बचाए भी जाते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में दसम भाव में शनि चंद्रमा की युक्ति है तो कहां से कहां चलेंगे, एक गरीब परिवार से इतने हायर के कैटेगरी में जाने जाते हैं और फेम भी देते हैं। तो आज भ्रांतियां फैलाई गई हैं, 20 से अरे शनि चंद्रमा बैठ गया तो 20 से है, ऐसी बात नहीं। जब चंद्रमा नीच के शनि के साथ बैठे खराब भाव में, जैसे छठे भाव बैठ जाए, अष्टम भाव बैठ जाए, बारहवें भाव में बैठ जाता है, तो इधर कंफ्यूज रहते हैं, तमाम निराशा का सामना करना, और साइकेटिक के पास जाते हैं, दवाइयां नहीं सूट करती हैं। आचार्य जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि मानव के जो आपके घर परिवार हो गया, नौकरी हो गई, उनके संबंध में ज्योतिष का क्या कौन सा योगदान रहता है? देखिए, परिवार में जो क्लेश का कारक ग्रह होता है बृहस्पति, यदि आपके जन्म पत्रिका में बृहस्पति वेल प्लेस हो, उच्च के हो, तो
तो घर में सुख समृद्धि प्रतिष्ठा बनी रहती है। अगर नीच हो गए, खराब भाव बैठे हुए हैं, तो नीच हो जाएंगे तो ब्रह्म दोष आ जाता है, जो ब्रह्म दोष स्किन डिजीज का प्रॉब्लम आ जाता है, और हमेशा परिवार में क्लेश बनना चाहिए। लेकिन क्लेश बना रहता है टकराव की स्थिति, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ओम गण गणपति ना का नाम जाप करें, और उसके बाद एक मंत्र देवी का मंत्र है दुर्गा जी के सामने देवी जी का दिया बजा के सर्वाभा बिंदर मुक्त हो धन्य धान सुतंता मनुष्य मत प्रसाद संतया, और डेली सुबह या संध्या के समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तो अगर घर में कितनों बड़ा ही क्लेश परेशानियां हो, असाध्य बीमारी हो, वो सब सरलता से दूर हो जाती है। ये मेरा दावा है आचार्य जी। गुण दोष या दुष्प्रभाव जो है उनको ज्योतिष के जरिए किस प्रकार टाला जा सकता है? देखिए ज्योतिष के जरिए तो कुछ पूजा पाठ मंत्र और स्टोन बांध के उनके दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये दुष्प्रभाव आ गया कुंडली में, तो कुछ अनुष्ठान होते हैं जैसे नवचंडी का और रुद्राभिषेक हुआ, राहु चल रहा तो राहु का जाप करा देना चाहिए 32 जाप। अब शनि चल रहा है तो शनि के वैदिक मंत्रों से जाप करा दें। अब आप पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए वैदिक मंत्र कौन है, शनि का मंत्र कौन है? अभी मैंने आपको बताया शनि का सबसे अचूक मंत्र था, ये करना चाहिए, तो इससे आपको शनि से मुक्ति मिलने लगती है, शनि तो आपको परेशान नहीं करते हैं। राहु परेशान कर रहा है तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रम हरि नमः, और हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान बाहु का पाठ करें शनिवार मंगलवार के दिन, और नित्य और नियमित हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। देखिए आपको राहु बिल्कुल नहीं परेशान करते हैं। आचार्य जी अभी आपने कुछ स्टोन्स की बात की थी, तो मैं अपने दर्शकों से के जरिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्टोन्स किस प्रकार से किस तरह से महत्वपूर्ण होता है? देखिए आजकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्शद है। अर्शद मैसा वैसा है कि देखिए आजकल तो मार्केट में स्टोन सही तरीके से लोग देते नहीं है, बहुत जैसे माल स्टोन पीला पुखराज हुआ, नीलम हुआ, माणिक हुआ, और उसके बाद डायमंड हुआ, आज मार्का लुक भी देते हैं, पीला पुखरा जो पीला मार्का और नीलम का बैंकान का मार्का। तो इस तरह किसी विशेष आदमी से जो योग्य हो, जो जेमोलॉजी पर रिसर्च किए हों, उनसे एस्ट्रोलॉजर से मिलके लेना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टोन अच्छा नहीं है तो उसका बॉडी फंक्शन अच्छा नहीं होगा। जैसे बृहस्पति का स्टोन होता है पीला पुखराज, सूर्य का स्टोन होता है माड़ी, मंगल का स्टोन होता है मूंगा, कंठा मूंगा मंगल के पढ़ना चाहिए, और उसके बाद जैसे मान ली शनि का होता है नीलम, राहु के होता है गोमेद सिरोनी गोमेद, चंद्रमा के लिए होता है बसरा के मोती या केसी का मोती पहनना चाहिए। ये सब पहनने से, अब जैसे कल्चर मोती आजकल बाजारों में बिक रहे हैं, उसके पहनने से कोई लाभ नहीं होता है, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, वो प्रत्न पहनने से बिल्कुल लाभ नहीं होता है, साइकोलॉजिकल शीशा होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब जिस मूल रत्न में केमिकल रासायनिक तत्व के सीधे बॉडी को बॉडी में भेजते हैं, हमारे बॉडी को मजबूत बनाते हैं, उससे ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी हमारे काम से जाते हैं तो अधिकारी हमारे फेवर में आ जाता है, काम को त्वरित कर देता है कि भाई नहीं नहीं इसको आदमी को कर देना चाहिए। यही ग्रह होते हैं, यही प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं स्टोन का। अगर गलत स्टोन आप पा लेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हो रहा है, आपके सामने जाएंगे उसको निगेटिव एनर्जी मिलेगा, चल तो आप खिन्न होके आप इससे लगा देगा, चाहिए नेक्स्ट डे आइएगा। अगर अच्छे स्टोन पहने तो तुरंत इफेक्ट करेगा, गुड इफेक्ट करेगा, वो आपसे इम्प्रेसिव होगा, बैठाएगा कुर्सी पे तुरंत आपको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग देगा, काम कर देगा। यही स्टोन का प्रभाव और दुष्प्रभाव होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ आचार्य सुरेंद्र जी, जिन्होंने हमें ज्योतिष और स्वास्थ्य से संबंधित काफी अहम जानकारियां दी। अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।